नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल बड़ा ये है कि रिजल्ट तैयार करने का आधार क्या होगा और परीक्षा रद्द करने की वजह से क्या क्या परेशानियां स्टूडेंट्स को आ सकती हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट के आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पर इस प्रपोजल को लेकर भी फॉर्मूला भी साफ नहीं किया गया है कि अगर कोई छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता तो उसे कोरोना के हालात सुधरने पर परीक्षा का भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉलेज एडमिशन पर क्या असर पड़ेगा। रिजल्ट को तय समय सीमा के अंदर तैयार करने का निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि ये किस तारीख तक आएगा। ऐसे में कॉलेजों में होने वाले एडमिशन की टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है। दरअसल जून शुरू हो चुका है, 9वीं, 10वीं और 11वीं इंटरनल्स के असेसमेंट में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए भी हालात के सुधरने का इंतजार करना होगा। ऐसे में रिजल्ट अगस्त से पहले आना संभव नहीं है। फिर कॉलेजों में एडमिशन की प्रोसेस अक्टूबर नवंबर तक खिसक सकती है। वहीं एंट्रेंस एग्जाम पर इस फैसले का क्या असर होगा ये भी जान लेते हैं। रिजल्ट देर से आएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसे ही कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम भी देरी से ही होंगे। ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स को अलर्ट रहने और टाइम्स के हिसाब से अपना प्लान बनाने की जरूरत है। एंट्रेंस के लिए किस तरह से तैयारी करनी होगी, अभी से तैयारी रखें। कोर सब्जेक्ट्स के अलावा जो फील्ड आप चुनना चाहते हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें। एंट्रेंस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझ लें, पेरेंट्स की भी मदद लें क्योंकि वक्त और सहूलियत कम ही मिलेगी। कॉलेज में एडमिशन के लिए जारी होने वाली कट ऑफ लिस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। अगर नतीजे इंटरनल असेसमेंट के जरिए दिए जाते हैं तो कट ऑफ लिस्ट का परसेंटेज काफी ऊंचा रखा जा सकता है। वजह यह है कि इंटरनल असेसमेंट में नंबर भी ज्यादा मिलने की संभावना है और ऐसे में कट ऑफ लिस्ट का हाई होना भी उतना ही लाजमी है। इससे नुकसान छात्रों को ही होगा क्योंकि उनका वास्तविक क्षमता इंटरनल असेसमेंट के आधार पर सामने नहीं आ पाएगी। वहीं विदेशों में एजुकेशन का प्लान करने वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे। विदेशों में स्थित कॉलेजों में एंट्रेंस स्टैंडर्डाइज्ड एडमिशन टेस्ट के जरिए होते हैं। ये टेस्ट ऑनलाइन लिए जाते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट जून जुलाई तक विदेशों में स्थित अपने कॉलेजों में पहुंच जाते हैं। उन्हें अपना फाइनल रिजल्ट जमा करने में देरी हो सकती है, अब उन्हें विदेशों में स्थित कॉलेजों में बात करनी होगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस का क्या होगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये एग्जाम कैंसिल करना मुश्किल है क्योंकि 12वीं पास करने वाले छात्रों को अगर इन कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाता तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना है, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।